A very good morning to all of you and welcome back to my channel once again. थोड़ा सा आज का जो मिशन है वो अलग है. तो मेरा एक फ्रेंड है हिमांशु, तो उसने मेरे को बोला कि इसकी एक एक्सेलरेशन और एक ब्रेकिंग के ऊपर एक वीडियो बनाओ. तो देखो भाई, वो मिशन को पूरा करने के लिए हमको चाहिए एक सेफ रोड, एंड इससे बढ़िया सेफ रोड आपको कहीं नहीं मिलेगी दूर दूर तक. एंड ताकि मैं भी सेफ रहूँ, दूसरा बंदा भी सेफ रहे. ओके, तो भाइयों अब शुरू करते हैं हम अपने मिशन को. और जो अपना मिशन है आप लोगों को पता है, ये देख लो भाइयों पूरा सीन है, ये खाली है. एंड चलो शुरू करते हैं. अब ज़ीरो है मेरी बाइक. तो देखो इसको हम एकदम सिंपल रखेंगे, 0 to 100, मतलब कितने सेकंड में 100 तक क्रॉस करती है, एंड 100 से लेके 0 तक कितने सेकेंड में, मतलब अपना जो ब्रेकिंग है वो रखते हैं. तो चलो 1, 2 और ये 3. ओके, 200 मीटर बाइक चली है वहां से लेके यहां तक. एक बारी फिर चेक कर लेता हूँ, इस रोड में जाऊंगा नहीं जल्दी से. तो एक बारी फिर से चेक कर लेते हैं, कोई आ तो नहीं रहा. ओके, तो 3, 2, 1. ओके, सो सेम इस लाइन पे ब्रेक मारी थी, थोड़ा सा आगे गया था, यहाँ रुकी है. कितना कदम होगा ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. शायद मैं ब्रेक गलत मार रहा हूँ, थोड़ा सा और प्रेशर मार के करना पड़ेगा. नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ब्रेकिंग में गड़बड़ हो रहा है थोड़ा. मैं क्योंकि ना डर रहा हूँ मैं कि स्लिप ना हो जाओ ऐसा कुछ, क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ तो थोड़ा सा डर बना हुआ है. तो एक बारी फिर से चेक कर लेते हैं. यार एक्चुअली ना क्या है ना, मैं ये पहली बार कर रहा हूँ. देखो भगाने के लिए तो मेरे को इतना डर नहीं लग रहा, जब मैं ब्रेक मार रहा हूँ ना तो उसमें मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ, क्योंकि कभी किया नहीं है ना. ओके, सो एक बारी और चलो फिर. 1, 2 और ये 3. रुको, 1, 2 और ये 3. अभी सही हुआ. मैंने ब्रेक मारी यहाँ पर, इधर ये वाइट वाला देख लिया था मैंने. सही बता रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल भी ब्रेकिंग का आइडिया नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं ब्रेक मारने में डर रहा था कि कहीं मैं स्लिप ना हो जाऊँ या मेरी बाइक में स्टॉपी ना लग जाए. तो ये सब के चक्कर में थोड़ा सा ब्रेकिंग में मेरा हार्ट डगमगा रहा था. बाकी मुझे आगे वाले व्हील का समझ नहीं आ रहा, अगर आप लोग मुझे एक बार कॉमेंट में बता सकते हो तो ज़रूर बताना कि यार ये पीछे वाला ब्रेक तो ठीक है, एकदम सही लग रहा है, जैसे एक तरह से ABS काम करता है वैसा ही कर रहा है. बट यार ये मुझे आगे वाले टायर का नहीं समझ आ रहा. ये देखो, ये देखो मेरी बाइक अपने आप ही उठ रही है आगे से, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार ABS में, मतलब बाइक तो नहीं उठनी चाहिए.
आप लोग प्लीज़ यार एक बार कमेंट में बता देना, ये मत बोलना कि भाई तुझे खुद तो पता नहीं है तो हमको क्या ज्ञान दे रहा है, बट सच्ची बता रहा हूँ। बट भाई प्लीज़ यार एक बार बता देना। देखो भाइयों, मैं कभी भी कोई डिटेल में नहीं गया इस ब्रेकिंग के ऊपर, ना मैंने ऐसी कोई वीडियो देखी कभी, तो मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं अपना नॉर्मली चलाता हूँ, नॉर्मली ब्रेक मारता हूँ, बट चलो अच्छा है कि इसी बहाने मुझे भी पता चलेगा कि यार हिसाब किताब क्या होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का जो मिशन है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप लोगों को पता है यार क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड कमेंट में पक्का बता देना कि ब्रेकिंग का क्या हिसाब किताब रहता है। एंड चलो फिर मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट मिशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बूम। Thank you.